Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do the summary of the Dear Departed Class 10 CBSE. ये जो Dear Departed drama है, ये लिखा गया है Stanley Houghton द्वारा. अब इस drama की summary शुरू करते हैं. हमारा ये जो play है, the Dear Departed, basically एक ऐसी situation को दिखाता है, जो एक तरह से देखा जाए, तो आज की दुनिया में बहुत common बात हो गई है. हमारे जो अपने लोगों की थिंकिंग है अपने पेरेंट्स के प्रति वो किस तरह की है, क्या सोचते हैं. बहुत से लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स को एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर देते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को बोझ समझते हैं और सिर्फ उनकी चीजों से उनको मतलब होता है. तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टैनली हॉकटन है, उन्होंने एक ऐसी ही सीन को क्रिएट किया है जहां पर दो डॉटर्स जो हैं अपने फादर को उनकी तरफ ना तो उनको कोई अफेक्शन है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस सिर्फ वो ये चाहती हैं कि उनको अपने फादर की सारी चीजें मिल जाएं और एक तरह से वो अपने फादर को बोझ समझती हैं. सीन की शुरुआत होती है एक सिटिंग रूम से, छोटे से घर के एक सिटिंग रूम से शुरुआत करी जाती है. ये घर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का है और छोटे से टाउन की एक डिस्ट्रिक्ट में इसको फिल्माया गया है. जो सेटिंग है प्ले की वो इस तरह से बताती है कि टी टेबल जो है लगी हुई है. मिसेस स्लेटर जो है वो एक हेफ्टी और बहुत ही फुर्तीली लेडी है जो कि शोक प्रकट कर रही है और तैयार हो रही है कुछ गेस्ट को रिसीव करने के लिए. वो अपनी जो डॉटर है विक्टोरिया, जो कि सिर्फ 10 साल की है, उसको बोलती है कि तुम जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लो और कुछ सोबर से कपड़े पहन लो. वजह क्या है कि जो विक्टोरिया है उसके ग्रैंडफादर, उनकी जो है डेथ हो गई है और जो स्लेटर फैमिली है वो तैयार हो रही है ताकि आंट एलिजाबेथ और अंकल बेन को रिसीव कर सके. और विक्टोरिया को जब ये बात पता चलती है कि उसके आंट और अंकल आ रहे हैं तो उसको बहुत सुनके एक तरह से ताज्जुब होता है क्योंकि दोनों अंकल और आंट कई सालों से घर नहीं आए हैं. तो मिसेस स्लेटर विक्टोरिया से कहती हैं कि जो भी उनके ग्रैंडफादर से रिलेटेड अफेयर्स हैं उनसे डिस्कस करने के लिए, उनसे उनके बारे में बात करने के लिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जैसे ही पता चला कि उनके फादर की डेथ हो गई है तो उनके जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स हैं या जो भी उनके चीजें हैं उनके बारे में बात करने के लिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं. इतने बीच में मिस्टर स्लेटर आते हैं. वो एक हेफ्टी आदमी है, हैवी थिक बॉडी के हैं और थोड़ा आगे झुक कर चलते हैं और उन्होंने भी जो है शोक प्रकट करने वाली ड्रेस को पहना हुआ है. हेनरी स्लेटर जो है दुविधा में है कि एलिजाबेथ आएंगी भी नहीं, क्योंकि पिछली बार जब वो लोग आए थे तो मिसेस स्लेटर और एलिजाबेथ की काफी लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद उसने कहा था कि वो आज के बाद कभी भी इनके घर नहीं आएगी. मिसेस स्लेटर ने हेनरी को अपने फादर की जो है नई स्लिपर्स दी पहनने के लिए. साथ ही साथ उनका ये प्लान था कि जो उनके ग्रैंडफादर की नई टेबल है जिसमें ड्रॉर्स भी हैं, वो अपने रूम में शिफ्ट कर लेंगे एलिजाबेथ और बेन के आने से पहले. दोनों हस्बैंड और वाइफ ने फ्रंट डोर को लॉक कर दिया और फिर जो उनके फादर की टेबल थी उसको शिफ्ट किया और अपनी जो पुरानी चेस्ट थी ड्रॉर्स की उसको वहां रख दिया. विक्टोरिया जानना चाहती थी कि क्यों वो लोग जो हैं ग्रैंडफादर की चीजों को इस तरह से चुरा रहे हैं, लेकिन उनकी मदर ने कहा कि तुम बिल्कुल खामोश रहो. यहाँ तक कि जो ग्रैंडपा की नई क्लॉक थी उसे भी ले लिया गया. तभी डोर पे बहुत जोर से खटखट होती है, आवाज होती है और स्लेटर्स के पास इतना टाइम था कि वो जो है अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल शो कर सके. अब मिसेस जॉर्डन और बेन आते हैं, वो भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है बहुत ज्यादा दुखी हैं और शोक प्रकट कर रहे थे मिस्टर एबल मेरीवेदर जो कि उनके फादर थे उनकी डेथ पर. अब दोनों लेडीज जो हैं जो भी ड्रेसेस पहनी थी शोक के लिए उसकी एक दूसरे से कंपैरिजन करती हैं और यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के आउटफिट को क्रिटिसाइज भी करती हैं. मिसेस जॉर्डन जो है वो इस बात को लेकर ताज्जुब करती हैं कि कोई भी डॉक्टर जो है नहीं बुलाया गया कि उनके फादर को एक बार उनका चेकअप किया जा सके. इस बात पर मिसेस स्लेटर जो है इंसिस्ट करते हुए कहती हैं
कि नहीं वो जो है मिस्टर प्रिंगल को ही बुलाना चाहते थे, लेकिन वो जो है आउट ऑफ स्टेशन थे, जिसकी वजह से वो किसी और को उन्होंने नहीं बुलाया। अब मिसेस लेटर यहाँ तक कहती हैं कि उनके फादर जो हैं सुबह बहुत ज़्यादा खुश थे और यहाँ तक कि वो जो है अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भी भरने गए थे। जो इनके फादर थे वो जो है ज़्यादातर रिंगो बेल्स जाते थे, बहुत फ्रीक्वेंट उनका आना जाना था, और एक रात पहले वो जो है वहाँ से ड्रिंक करके आए थे और फिर बिना कुछ खाए जो है आकर अपने बेड पर लेट गए थे। मिसेस जॉर्डन और बेन ने प्रेफर किया कि अपने फादर के पास जाने से पहले वो एक बार चाय पीना पसंद करेंगे। अब सब के सब जो है चारों के चारों डिस्कस करने लग गए कि किस तरीके का शोक समाचार जो है न्यूज़पेपर में देना है। मिसेस जॉर्डन चाहती थी कि एक लंबी सी पोयम लिखी जाए, जबकि मिसेस स्लेटर ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। तभी मिसेस जॉर्डन ने देख कहा कि उनके फादर ने जो है अपने जो उनके लड़के हैं जिमी, उसके लिए गोल्ड वॉच विल करी है। अब मिसेस जो स्लेटर थी वो बड़ा ताजुब सा फील करती हैं और इस बात को विश्वास करने से मना कर देती हैं। विक्टोरिया कहती है कि उनके ग्रैंडफादर जो हैं वो मॉर्निंग में प्रीमियम भरने नहीं गए थे, बल्कि वो तो द रिंगो बेल्स गए थे, जो कि पब्लिक हाउस है, और वहाँ पर जो हैं जॉन शोरॉक्स जो हैं विडो, उनसे मिलने गए थे। अब सब लोग जो हैं उस ओल्ड मैन को प्रीमियम ना भरने के लिए ब्लेम करने लगते हैं। विक्टोरिया को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि तुम ग्रैंडपा के रूम में जाओ और वहाँ से जो प्रीमियम की रिसिप्ट है उसे ले आओ। मिसेस जॉर्डन जो एक नया ब्यूरो यानी कि ये जो नई टेबल डेस्क रखी हुई थी उसको देख के चौंकती हैं और उसके बारे में जानना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि मिसेस लेटर ने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करी है। अब विक्टोरिया जब आती है तो वो बड़ी घबराई हुई और बड़ी ही सहमी हुई सी होती है। वो सबको चौंकाने वाली खबर देती है कि ग्रैंडपा तो सही हैं और वो तो चल फिर रहे हैं। कुछ देर बाद मिस्टर एबल मेरीवेदर आते हैं और चौंकते हैं ये देखकर कि उनकी जो दूसरी बेटी है और जो उनके सन इन लॉ हैं मिस्टर एंड मिसेस जॉर्डन, वो भी वहाँ आए हुए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको एक हल्का सा सिर में दर्द था। फिर उनका ध्यान जाता है कि हेनरी जो है उनकी नई चप्पलें पहने हुए हैं और वो उसे ले लेते हैं। एबिल इस बारे को जानना चाहते हैं कि सब लोगों ने शोक वाली ड्रेस क्यों पहनी हुई है। तब मिसेस जॉर्डन जो है एक मनगढ़ंत कहानी बना देती हैं उनको पेसिफाई करने के लिए। अब एबिल मेरीवेदर जो है आराम से टी इंजॉय करते हैं और एप्पल पाई खाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें गुस्सा आता है और डांटते भी हैं मिसेस स्लेटर को, क्योंकि उन्होंने उनकी जो नई वाली टेबल थी उसे ले लिया था। मिसेस जॉर्डन को गुस्सा आता है और अपनी सिस्टर को, क्योंकि फादर की उन्होंने चीज ले ली थी, इसके लिए वो उससे झगड़ती हैं। दोनों के हस्बैंड्स जो हैं अपनी वाइफ्स के साथ ज्वाइन कर लेते हैं एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के लिए। तभी एबिल को पता चलता है कि ये लोग जो है उनकी डेथ के बारे में इस तरह से बातें कर रहे थे। वो अपनी डॉटर से डायरेक्टली एड्रेस करते हुए कहते हैं कि वो जो है अपनी विल को बदल देंगे और अपना पैसा सारा जो है उसको दे देंगे जिसके के घर में उनकी डेथ होगी। दोनों डॉटर्स जो हैं एक दूसरे से लड़ने लग जाती हैं कि नहीं, वो अपने फादर को अपने पास रखेंगी। एबिल जो हैं वो मज़ा ले रहे थे और सारा जो भी तमाशा हो रहा था उसको बड़ी खुशी से देख रहे थे। फाइनली वो अनाउंसमेंट करते हैं, एक ऐसा अनाउंसमेंट जो सबको चौंकाने वाला था। मंडे को वो लॉयर के पास जाएंगे और वहाँ अपनी विल को बदलवा देंगे। फिर वो इंश्योरेंस ऑफिस जाएंगे और वहाँ प्रीमियम भर देंगे। उसके बाद वो चर्च जाके मिसेस शोरॉक के साथ शादी कर लेंगे। सब लोग एकदम से चौंक जाते हैं। एबिल यहाँ तक भी बताते हैं कि फाइनली उनको एक कोई ऐसा मिल गया है जो उनको अपने पास रखकर खुश है। फिर वो सबको अपनी मैरिज का इनविटेशन देके वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही साथ वो मिसेस लेटर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वो जो उनकी नई वाली टेबल थी ड्रॉर्स के साथ वो नीचे ले आई, क्योंकि अब उनको ईजी हो जाएगा कि वो उसको आसानी से रिंगो बेल्स तक ले जा सके। तो बच्चों, ये अगर आपको समरी पसंद आई, अच्छी लगी, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।